हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में। और मैं आपके साथ जो मॉक टेस्ट 6 जो है, जिसके लिए आपने बहुत डिमांड की थी, वो लेके आया हूँ। इस मॉक टेस्ट में जो है तो मैं 30 क्वेश्चंस लाया हूँ, क्योंकि जो फाइल साइज जो है तो बहुत बड़ा हो जा रहा है। जब मैं 50 क्वेश्चंस रख रहा हूँ, तो जो मॉक टेस्ट का जो नंबर है वो मैं बढ़ा दूंगा जो क्वेश्चंस कवर करने के लिए। और आपका प्रिपरेशन मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से जा रहा होगा। योर प्रिपरेशन इज गोइंग गुड। एंड नाउ व्हाई वन शुड गिव मॉक टेस्ट? एज आई सेड अर्लियर, दिस मॉक टेस्ट आर फॉर असेसिंग योर प्रिपरेशन, एंड इफ नॉट एटलीस्ट ओनली दिस मॉक टेस्ट विल हेल्प यू टू गो थ्रू एटलीस्ट 500 to 1000 क्वेश्चंस। यू कैन वॉच आवर अर्लियर मॉक टेस्ट। शिवाजी इज ऑल्सो डूइंग दी मॉक टेस्ट वेयर ही इज फोकसिंग ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक। वो जो कर रहा है कि वहाँ पर इसी चैनल पे आप देखेंगे कि वो एक टॉपिक को लेके उसमें 100 क्वेश्चंस या 50 क्वेश्चन डाल रहा हूँ, और जहाँ मैं डाल रहा हूँ कि हर टॉपिक को मैं एक ही मॉक टेस्ट एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपका बहुत सारा इससे फ़ायदा होगा। अगर आपको आपको लग रहा है कि आपका फ़ायदा हो रहा है, तो आप इसको ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब ये जो है तो, और कुछ ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए आप जो है तो हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। लिंक उसका जो है तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। और इस मॉक टेस्ट में रूल्स आर सिंपल। जस्ट आप क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने के बाद उसको पॉज करिए और ट्राई टू आंसर ऑन योर ओन। एंड देर आर 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एंड एज आई सेड, दिस मॉक टेस्ट विल हैव 30 क्वेश्चन, सो एग्जाम विल बी ऑफ 60 मार्क्स। प्लीज राइट योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ देर इज एनी क्वेरी यू कैन ऑल्सो राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई रीड एवरी कमेंट ऑफ योर्स एंड आई ट्राई टू एक्ट ऑन इट। अगर मैं रिप्लाई नहीं भी देता हूँ तो आई टेक द नोट ऑफ इट। तो अगर आपको ये कुछ डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, और देखते हैं आप। हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे। चलिए, सो फ्रेंड्स, दी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टूडेज मॉक टेस्ट इज इन विच ईयर द अवार्ड भारत रत्न वॉज इंस्टीट्यूटेड। सो फ्रेंड्स, पूछा गया है कि भारत रत्न अवार्ड जो है तो वो किस साल स्टार्ट हुआ, शुरू किस साल हुआ। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ये 1954। तो इन 1954 में ये तीन लोगों को दिया गया था, फिलोसोफर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, साइंटिस्ट सीवी रमन और पॉलिटिशियन राजा गोपालाचारी। सो फ्रेंड्स, याद रखिए ये तीन लोगों को ये दिया गया था, और ये स्टार्ट हुआ था 1954 में। आशा है आपने इसको करेक्ट आंसर किया हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी इज इन द स्टेट ऑफ। सो फ्रेंड्स, पूछा गया है कि इंडिया का जो है तो फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट में बनेगा। मतलब अभी इसका जो है तो कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। होपफुली दिस ईयर इट विल बी ओपन्ड। सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी इज इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा का जो है तो बिनोला एक एरिया है इस गुड़गांव में, तो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ ये डिफेंस यूनिवर्सिटी सेट किया गया है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, ऑप्शन ए कंडक्ट टीचिंग एंड रिसर्च ओनली, बी अफिलियट कॉलेजेस एंड कंडक्ट एग्जामिनेशन, सी कंडक्ट टीचिंग रिसर्च एंड एग्जामिनेशन, डी प्रमोट रिसर्च ओनली। सो दोस्तों, पूछा गया है कि इंडिया के जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज है उसमें सिर्फ टीचिंग होती है और रिसर्च होता है ऑप्शन ए, या फिर उनके एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं और वो एग्जाम कंडक्ट करते हैं, और सी जो ऑप्शन है वो है कंडक्ट टीचिंग रिसर्च और एग्जामिनेशन, और डी जो है तो सिर्फ रिसर्च को प्रमोट करती है। तो दोस्तों, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी कंडक्ट टीचिंग रिसर्च एंड एग्जामिनेशन। सो हमारी जो यूनिवर्सिटीज है ये ऑल थ्री जो ये है टीचिंग रिसर्च और एग्जामिनेशन, ये तीनों भी वो कंडक्ट करती है। तो द करेक्ट आंसर विल बी दी कंडक्ट टीचिंग रिसर्च एंड एग्जामिनेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन इज द हेड ऑफ स्टेट, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दी बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सो एंड डी नन ऑफ द अबव। सो दोस्तों, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर एंड द हेड ऑफ स्टेट इज प्रेसिडेंट। तो दोस्तों, आई होप यू हैव आंसर्ड दिस करेक्टली। द करेक्ट आंसर इज हेड, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन ईयर इज, ऑप्शंस आर 10 हर्ट्ज टू 10 किलो हर्ट्ज,
बी 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स, सी 10 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स एंड डी 10 हर्ट्स टू 30 किलो हर्ट्स। सो फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द पीपल एंड एनवायरमेंट। सो दिस इज अबाउट द साउंड पोल्यूशन और द नॉइज पोल्यूशन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। सो दोस्तों, यहाँ पूछा गया है कि ह्यूमन ईयर का जो सुनने की जो क्षमता या फिर उसका रेंज क्या है। तो उसका करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू फ्रॉम पीपल एंड एनवायरमेंट सेक्शन। इफ द वेस्ट मटीरियल कंटामिनेट्स द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज विल स्प्रेड। सो फ्रेंड्स, दे हैव आस्क्ड द सोर्स ऑफ द डिसीज। सो दोस्तों, यहाँ जो है तो डिसीज का सोर्स पूछा गया है और दिया गया है, और उसमें आपको जो है तो कौन सी डिसीज होती है वो बताना है। ऑप्शन ए स्कर्वी, स्कर्वी जो है तो विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है, और सी मलेरिया जो है तो इट इज जो है तो मॉस्किटो बाइट और जो इन्फेक्शन डिसीज है, और एनीमिया तो हम जानते हैं कि माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है। तो द करेक्ट आंसर, जो ड्रिंकिंग वाटर का कंटेमिनेशन के वजह से जो डिसीज होता है वो है टाइफाइड। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टाइफाइड। आई होप यू हैव आंसर दिस क्वेश्चन करेक्टली। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू लिमिट प्राइमरी प्रोडक्शन इन फ्रेश वाटर लेक। सो दोस्तों, पूछा गया है कि प्राइमरी प्रोडक्शन अगर कौन सा एलिमेंट है जो नीचे जो दिया एलिमेंट या फिर जो मॉलिक्यूल है वो ना होने के बाद जो है तो कम हो जाएगा। प्राइमरी प्रोडक्शन मतलब यहाँ रेफर किया है फोटोसिंथेसिस को। सो दोस्तों, यहाँ जो फोटोसिंथेसिस है वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस या केमोसिंथेसिस जो ज़्यादा डिपेंड करता है वो एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फरस। तो जो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सी फॉस्फरस। तो फॉस्फरस विल लिमिट दी प्राइमरी प्रोडक्शन इन फ्रेश वाटर लेक। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुनामी इज कॉज्ड बाय। ऑप्शन ए जायंट हाई टाइड वेव्स इन ओशन, ओशनिक बैड वेदर कंडीशन, सी सडन मोशन ऑफ ओशन फ्लोर एंड डी इंटरकॉन्टिनेंटल कोलिजन इन द ओशन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है कि सुनामी का जो कॉज है वो क्या है। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सडन मोशन ऑफ ओशन फ्लोर। सो फ्रेंड्स, दिस सडन मोशन कैन बी ड्यू टू द अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन और एक्सप्लोजन एट द अर्थ सरफेस। सो फ्रेंड्स, याद रखिए ये आंसर कि सुनामी का जो ये है तो सडन मोशन ऑफ द ओशनिक फ्लोर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ग्रीन हाउस गैस। सो फ्रेंड्स, इफ यू लुक एट द ऑप्शन फोर ऑप्शंस, द ऑल थ्री ऑप्शन फर्स्ट थ्री ऑप्शन दैट इज ए बी सी आर द मेजर ग्रीन हाउस गैसेज, बट ऑफ देम द परसेंटेज वाइज यू हैव टू कैलकुलेट। सो द हाइएस्ट परसेंटेज इज ऑफ I hope you know it. It is of carbon dioxide. It constitutes 64% of the greenhouse gases. So, दोस्तों, यहाँ पूछा गया है कि major greenhouse gas कौन सा है। तो the correct answer, इसके लिए जो correct answer है वो है carbon dioxide, जिसका percentage 64.3 around कुछ है। तो so it is the major greenhouse gas. So I hope you have answered this question correctly. Now moving on to the next question. The question is the full form of FTP is option A file transfer protocol, option B file transfer program, option C is file transfer property and option D is file transfer problem. So दोस्तों, question पूछा गया है कि full form of FTP क्या है। तो इसका जो correct answer है, the correct answer for this question is option A, that is file transfer protocol. I hope I have also repeated this question because you know, in exam also you'll have the repeated questions. So I hope you have answered this correctly. Moving on to the next question. Next question is the selection of information and communication technological tools should essentially depends on. So दोस्तों, यहाँ पूछा गया है कि information और communication technology के जो tools है वो कौन से factor को ध्यान में रखते हुए choose करना चाहिए। तो options are ए टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो दिस इज करेक्ट। यू इफ यू डोंट हैव द टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर
देन इट विल बी डिफिकल्ट टू यूज द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड लर्नर्स एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी. सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग. इफ लर्नर इज नॉट एबल टू हैव एन एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी देन इट विल बी डिफिकल्ट. एंड दिस सपोर्ट पर्सनल इफ देर इज अगर देखा जाए तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो सपोर्ट पर्सनल वहाँ बहुत एसेंशियल है, क्योंकि अगर सपोर्ट पर्सनल नहीं रहेगा तो टेक्नोलॉजी में कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाए तो यहाँ बहुत सारे और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे. सो तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि ऑल ऑफ दी अबव, ये तीनों भी फैक्टर जो है तो ध्यान में रखे जाने चाहिए. दिस फैक्टर शुड बी टेकन इन टू कंसिडरेशन. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दी अबव. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज द मेन पर्पस ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज. तो क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लासरूम टीचिंग का मेन पर्पस क्या है. ऑप्शंस आर ए प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशन, बी मेक स्टूडेंट्स कंटेंट एक्सपर्ट, सी डेवलप कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमॉन्ग द स्टूडेंट्स एंड डी इज मेक स्टूडेंट्स टू अप्लाई डिसिप्लिनरी नॉलेज टू द लाइफ. तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है डी, कि जो क्लासरूम या फिर जहाँ भी आप पढ़ रहे हो उसको अपने लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाए. तो ये इसका मेन पर्पज़ है, मेक स्टूडेंट्स टू अप्लाई डिसिप्लिनरी नॉलेज टू द लाइफ. आई होप यू हैव आंसर्ड दिस करेक्टली. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव इन हायर एजुकेशन गवर्निंग बॉडीज इज एडवाइजेबल टू. सो दोस्तों यहाँ जो ये पूछा गया है कि जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है, या कि जो भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो यूनिवर्सिटीज में होता है उसका जो मोटिव क्या है. तो ए टू ट्रीट स्टूडेंट्स कम्युनिटी एट पार विद टीचर. तो ये तो मोटिव नहीं हो सकता, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट्स कभी बराबर नहीं हो सकते. मतलब टीचर का जो स्थान है वो हमेशा ही आगे रहेगा. और बी प्रिपेयर फ्यूचर पॉलिटिशियंस, तो ये भी उसका मोटिव नहीं है जो फ्यूचर के जो पॉलिटिशियन बनाने का. एंड डी का जो ऑप्शन है इज प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रिविलेज टू सबसाइड स्टूडेंट अनरेस्ट, तो ये उसका मोटिव नहीं है. इसका जो मोटिव है टू प्रमोट डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, टू प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यू ऑफ इंडिया. तो जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स या स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन है हायर एजुकेशन गवर्निंग बॉडीज में, तो उसका जो मोटिव है इज टू प्रमोट डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप. ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा. आई होप यू हैव आंसर दिस क्वेश्चन करेक्टली. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द पर्पस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया. सो दोस्तों पूछा गया है कि डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया का पर्पस क्या है. सो टू प्रोवाइड डिग्रीज इकोनॉमिकली. सो दोस्तों ये पर्पस नहीं है, इकोनॉमिकली डिग्रीज देने का कोई पर्पस नहीं है डिस्टेंस एजुकेशन का. टू जनरेट लार्ज नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स, ये भी पर्पस नहीं है. टू इंक्रीज द रेट ऑफ हायर एजुकेशन, सो ये पर्पस हो सकता है लेकिन ये भी पर्पस नहीं है, क्योंकि ये तो वही हो जाएगा कि टू गिव इंक्रीज द रेट ऑफ हायर एजुकेशन में ये हो जाएगा कि गिव नंबर ऑफ जनरेट लार्ज नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स. तो इसका जो मेन पर्पस है, द मेन पर्पस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इज टू रीच द अनरीचेबल. जो लोग जॉब्स कर रहे हैं या फिर जो लोग जो ऐसे जगह पर है जहाँ की वो यूनिवर्सिटीज या फिर यहाँ पर डायरेक्ट ये अटेंड नहीं कर सकते, तो इन लोगों के लिए जो है तो डिस्टेंस एजुकेशन बनाया है. तो इसका पर्पस जो है टू रीच द अनरीचेबल. आई होप यू हैव आंसर्ड इट करेक्टली. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज दे हैव गिवन द नंबर सीरीज एंड यू हैव टू फिल इन द लास्ट नंबर. सो फ्रेंड्स दिस नंबर सीरीज अपियर्स कन्फ्यूजिंग, बट इफ़ यू केयरफुली लुक एट इट, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये दो नंबर सीरीज जो है तो मिक्स की गई है. तो जैसे अपन देखेंगे नंबर 12 और उसके बाद अगर आप एक 15 को छोड़ के देखेंगे तो 16 एंड देन इफ यू लीव 20 देन अगेन 20. तो यहाँ जो है तो चार का एडिशन हो रहा है, फ्रॉम 12 टू 16 टू 20 टू 24. तो ये चार का एडिशन हो रहा है. अगर आप दूसरी नंबर सीरीज देखेंगे तो 15 और उसके बाद 20 फिर उसके बाद 25, तो नेक्स्ट नंबर जो आएगा तो वो ऑब्वियसली जो है तो 30 होगा. अगर आप कुछ कंफ्यूजन है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. अगर आपको कोई डाउट भी है या फिर आपका कोई क्रिटिसिज्म है वो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में. आई होप यू हैव आंसर दिस करेक्टली. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एप्रोप्रिएट लेटर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस. सो फ्रेंड्स सीक्वेंस इज ए बी डी एच एंड दे हैव आस्क्ड द नेक्स्ट लेटर.
दोस्तों नेक्स्ट लेटर यहाँ क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अगर ए बी सी डी में हम सीक्वेंस वाइज नंबर लगा दें तो ये इज़ वन, बी को 2 हो जाएगा और डी को जो है तो 4 हो जाएगा और एच जो है तो 8 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 1 2 4 8, तो ये बढ़ता जा रहा है, मतलब डबल हो रहा है। तो अगर 8 से आगे का नंबर हमको क्या चाहिए, वो चाहिए 16th, जो क्वेश्चन मार्क है वो होगा 16th। तो अगर हम ए बी सी डी में 16th को देखेंगे तो द करेक्ट नंबर और नंबर करस्पॉन्डिंग टू द लेटर विल बी करेक्ट लेटर करस्पॉन्डिंग टू द 16 विल बी यम। तो आई होप यू हैव आंसर दिस करेक्टली। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज थ्री काइंड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया आर। तो दोस्तों यहाँ इन्होंने इंडिया में जो तीन टाइप की यूनिवर्सिटी होती है वो क्या है ये पूछा है। ऑप्शंस आर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो ये जो है तो फर्स्ट ऑप्शन है, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो हम लोग ये जान लें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है तो सेंट्रल से फंडेड होती है और स्टेट यूनिवर्सिटी का जो फंडिंग होता है वो स्टेट यूनिवर्सिटी करती है। और जो थर्ड टाइप की यूनिवर्सिटी है वो होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, जिसको समटाइम्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है। तो उसका जो फंड है उसको आइदर बिजनेसमैन या फिर कोई एनजीओ इस टाइप का उसका फंडिंग होता है। और ये तीनों भी जो है तो यूजीसी से अफिलिएटेड होती है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है इसके जो है तो अफिलिएटेड कॉलेज नहीं ये खोल सकती, या मतलब इट इट कांट ओपन दी अफिलिएटेड कॉलेजेस। तो इन केस ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे कैन हैव दी कॉलेजेस। आई होप यू हैव आंसर दिस करेक्टली। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ये, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज एड्यूसैट रेफर्स टू। सो फ्रेंड्स दिस एड्यूसैट इज ऑल्सो कॉल्ड GSAT 3 एंड इट इज इंडियाज फर्स्ट एजुकेशनल सैटेलाइट यूज फॉर द एक्सक्लूसिवली फॉर द एजुकेशनल पर्पज। सो बिफोर एड्यूसैट इंडिया वॉज यूजिंग इनसैट सैटेलाइट विच वेर यूज फॉर कम्युनिकेशन ऑल्सो एंड फॉर द एजुकेशनल पर्पज। नाउ दिस इज एक्सक्लूसिव सैटेलाइट एंड इट्स मेन फंक्शन, इसका जो मेन फंक्शन है ये तो सैटेलाइट बेस्ड ट्रांसमिशन चैनल मीन्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज। तो यहाँ जो है तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आई होप यू हैव आंसर दिस करेक्टली। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द एड्रेस ऑफ वेबसाइट ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड। द ऑप्शंस आर ए यूआरएल, बी क्लाइंट, सी प्रोटोकॉल एंड डी वैन। सो दोस्तों वेबसाइट का जो एड्रेस है इंटरनेट पे उसे क्या कहते हैं। तो ये थोड़ा आसान सवाल है, आई होप एवरीवन ऑफ यू विल बी एबल टू आंसर दिस। द करेक्ट आंसर इज URL। सो द URL इज द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। व्हेन यू टाइप द URL एंड से इन एनी सर्च इंजिन, बी इट गूगल, बिंग और याहू, यू विल गो टू द वेबसाइट होम पेज। आई होप यू हैव आंसर दिस करेक्टली। Moving on to the next question. The question is, which of the following pollutant gas is more toxic to human being? So, friends, यहाँ पूछा है कि जो नीचे दिए गए चार गैसेस है उसमें से सबसे टॉक्सिक कौन सा है। तो ये चारों भी अगर आप देखेंगे कि अगर ज्यादा मात्रा है तो टॉक्सिक है, लेकिन इनमें से भी द मोस्ट टॉक्सिक इन्होंने पूछा है। तो दोस्तों यू शुड नो दैट इफ कार्बन मोनोक्साइड इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, तो ये बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है वहाँ से ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है। और जो बॉडी में ऑक्सीजन अगर रिप्लेस कार्बन मोनोऑक्साइड से हो जाएगा तो इट रिजल्ट्स इन इमीडिएट डेथ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इफ इज प्रेजेंट इन द एयर और इन द सराउंडिंग देन इट रिजल्ट्स इन इमीडिएट डेथ। तो जो करेक्ट आंसर जो होगा, सबसे टॉक्सिक, द मोस्ट टॉक्सिक अमंग द फॉलोइंग विल बी द कार्बन मोनोऑक्साइड। सो रिमेंबर दिस, आई होप यू हैव आंसर दिस करेक्टली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली पॉल्यूटेंट गैस दैट इज कलर्ड। तो यहाँ इन्होंने जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस है या ग्लोबल वार्मिंग को रिस्पॉन्सिबल जो गैसेस है उसमें से जो कलर्ड गैस है, जो
कलर्ड गैस है वो कौन सा है ये पूछा है। बाकी मीथेन, कार्बन डाइसल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये जो है तो ये कलरलेस गैसेस है, लेकिन इनमें जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये इसका येलो हेज मतलब येलो कलर इसका होता है। अगर आप कहीं सिटी के ऊपर थोड़ा सा येलो ये आपको येलोइश लगे तो ये समझ जाना चाहिए कि वहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो है तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है उस एरिया में। तो याद रखिए कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज दी कलर्ड गैस अमॉन्ग द ग्रीन हाउस गैसेस, सो रिमेम्बर दिस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्लैगरिज्म। सो फ्रेंड्स फर्स्ट विल रीड द ऑप्शंस एंड देन सी, मेक यूज ऑफ वर्क ऑफ अनदर एंड मिस रिप्रेजेंटेड इट एज योर ओन। सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ प्लैगरिज्म। वन शुड नॉट कॉपी, दिस इज लाइक अ कॉपी, सो कॉपिंग इज प्लैगरिज्म। नाउ ड्रॉइंग अ कंटेंट फ्रॉम वर्क ऑफ अनदर विदाउट एक्नोलेजिंग द सोर्स। सो फ्रेंड्स व्हेन यू आर टेकिंग सम कंटेंट फ्रॉम सम एनी सोर्स, वेदर इट इज जर्नल और वेदर इट इज एनी आर्टिकल, सो यू शुड एक्नोलेज इट। सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। नाउ पैराफ्रेजिंग टू क्लोजली टू ओरिजिनल टेक्स्ट, सो दिस ऑल्सो इज प्लेगरिज्म बिकॉज यू आर जस्ट चेंजिंग द वर्ड एंड कीपिंग द मीनिंग सेम, सो दिस ऑल्सो कम्स अंडर प्लेगरिज्म। नाउ ऑप्शन डी इज ड्रॉइंग कंटेंट फ्रॉम अनदर वर्क एंड अडॉप्टिंग इट विथ ड्यू एक्नोलेजमेंट। सो फ्रेंड्स दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्लेगरिज्म बिकॉज यू आर एक्नोलेजिंग इट, एंड वेन यू आर एक्नोलेजिंग इट दिस वोंट बी कंसिडर्ड एज अ प्लेगरिज्म। आई होप यू हैव आंसर्ड दिस करेक्टली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट वे माइट एसिड रेन पोज ए ह्यूमन हेल्थ थ्रेट। सो ऑप्शन ए इज इट बर्न्स स्किन, सो इट्स नॉट लाइक इट्स लाइक एसिड रेन विल बी हैविंग कंप्लीटली एसिड, इट वोंट बर्न योर स्किन, देर मे बी सम रैशेज बट इट दैट मे नॉट बी द ऑप्शन। नाउ दे डिस्ट्रॉय एग्रीकल्चरल फील्ड, दिस ऑल्सो इज नॉट ए करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स एसिड रेन्स हैव एसिड इन देम, लाइक दे हैव मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, सो यू शुड नो दैट मेटल्स लाइक लेड और से एनी अदर मेटल दे डिजॉल्व इन द एसिड। सो वॉट हैपन्स हियर, द मेटल्स ऑन द सॉइल गेट डिजॉल्व वेन द एसिड रेन ऑकर्स एंड दे go into the drinking water, so that way your drinking water will have more metal, and you as we have studied metal poisoning, so it will be it will affect human in that way. So I hope you have understood, because of the more acidic nature of the rain the metals get dissolved and it contaminate the drinking water. I hope you have answered this. Now moving on to the next question. The one more question about the acid rain. एसिड रेन के बारे में पूछा गया है कि इसका सिग्निफिकेंट प्रिकर्सर क्या है। तो दोस्तों एसिड रेन कैसे होता है, एसिड रेन जो है तो जैसे रेन मतलब क्या, वी गेट वाटर, वाटर का जो फॉर्मूला है वो है H2O। तो इसके साथ अगर सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये कंबाइन होके जो है तो इधर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये यहाँ पर फॉर्म होते हैं। कहाँ पर ये सब होता है, एटमॉस्फेयर में। तो जो नीचे हम लोगों को मिलता है वहाँ पर जो वाटर है, वाटर के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा एच प्लस यानी कि जो प्रोटॉन या फिर एसिड जो है तो नीचे आता है। तो ये इसके लिए अगर एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई है तो ये केस में एसिड रेन होता है। तो आप याद रखिए कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑप्शन है, दे आर दी प्रिकर्सर फॉर दी एसिड रेन। आई होप यू न्यू दिस, और इफ यू हैव नॉट known it till now, then remember that sulfur dioxide and nitrogen dioxide are the important precursor for acid rain. Okay, moving on to the next question. The question is, nodding is an example of which type of communication? So friends, nodding means you are shaking your head in positive direction or in positive way. So that means you are agreeing with the communicator, and this nodding falls under non-verbal communication. So friends, तो यहाँ जो है तो आप उसे सहमति दर्शा रहे हो, और ये nodding ये non-verbal communication में आता है। I hope you have answered it. Now moving on to the
नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर एज आई सेड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नोडिंग कम्स अंडर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज व्हाट इज स्मॉग. सो फ्रेंड्स, एज यू नो द इन पॉलिटिकल टर्म्स द स्मॉग इज द मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग. सो आई होप यू नो दिस. इफ यू डोंट नो प्लीज रिमेंबर दैट स्मॉग इज ए स्मोक एंड फॉग. Moving on to the next question. The next question is also from the people and environment section. And question is, these are the most damaging because it cannot be filtered. So, दोस्तों यहाँ ये पूछा गया है कि ये most damaging है क्योंकि इनको filter नहीं किया जा सकता. वो क्या है? तो options are A. Sulfur dioxide, B. Methane, C. Carbon dioxide, D. Particulate matter. तो दोस्तों, दी सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर गैसेस एंड फॉर देम इफ यू यूज स्पेशल मास्क फॉर प्रोटेक्टिंग, सो ये दिस कैन बी केप्ट अवे. बट पर्टिकुलर मैटर का साइज जो है तो बहुत कम होता है, तो दे कैनॉट बी फिल्टर्ड. सो दैट्स वाई दे आर मोस्ट डैमेजिंग. सो आई होप यू नो दिस एंड यू हैव आंसर्ड दिस करेक्टली. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is about people and environment. Why is radon gas in homes is considered a problem? So friends, as radon is a radioactive gas and it increases the possibility or the risk of lung cancer. As it is chemically inert, so it cannot cause skin burning because it is chemically inert. So anything that is chemically inert will not have any reaction with the skin. And it's not explosive. It is a product of nuclear reaction of the other higher radioactive elements. So it is radioactive and increases the risk of lung cancer is the correct answer. I hope you knew this. Now moving on to the next question. Now the question is, the dash dash sector is considered as the biggest greenhouse gas emitter in India. So friends, of the following sectors which is the highest greenhouse gas emitter. तो यहाँ जो पूछा गया है कि चारों जो सेक्टर है या चारों जो चीजें नीचे दी गई है उसमें से सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस को कौन कॉन्ट्रीब्यूट करता है. तो फर्स्ट ऑप्शन है एग्रीकल्चर, बी जो है तो एनर्जी, सी जो है तो डिफॉरेस्टेशन और डी जो है तो इंडस्ट्री. तो ये क्वेश्चन जो है तो अमन 2017 के नेट में पूछा गया था. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन बी. एनर्जी सेक्टर जो है तो वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है. तो एनर्जी सेक्टर में जो आएंगे कि प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, जिसके लिए हम जानते हैं कि कोल जो है तो बहुत ज़्यादा यूज होता है एनर्जी प्रोडक्शन में. तो इसके लिए कोल बर्निंग से जो है तो ग्रीन हाउस गैसेस जो है तो ज़्यादा निकलते हैं एटमोसफियर में. और ये जो डेटा आता है, ये डेटा जो दिया है उसको UNFCCC जो है तो UNFCCC जो है तो ये इसने ये डेटा दिया है कि इंडिया में जो है तो एनर्जी सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैसेस को. तो आई होप यू हैव आंसर दिस करेक्टली. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दोस्तों अगला क्वेश्चन भी एनवायरमेंट, पीपल एंड एनवायरमेंट से है. ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. सो दोस्तों ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन पूछा है और दो जो स्टेटमेंट है उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट इज ये जो द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इज द इंचार्ज ऑफ ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है. और दूसरा जो है तो 8 मिशंस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग द ब्रॉड गोल ऑफ क्लाइमेट चेंज अडॉप्शन एंड मिटिगेशन. सो फ्रेंड्स, इसमें जो जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ये जो है तो इसका इंचार्ज नहीं है. इसका प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल फॉर क्लाइमेट चेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. तो रिमेंबर दिस, नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट. इन प्लेस ऑफ दैट इट इज प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल फॉर क्लाइमेट चेंज. ये है तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है तो गलत है. और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है तो 8 मिशंस, तो ये सही है. इसके जो 8, इसको जो 8 मिशंस में इसको बांटा गया है क्लाइमेट चेंज का जो गोल है उसको, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. इसको जो 8 मिशन है वो मैं आपके लिए बता देता हूँ. नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन ऑफ एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, और नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट
फोर जो है तो नेशनल वाटर मिशन, फिफ्थ जो है तो नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, और सिक्स जो है तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल, और सेवन्थ जो है तो नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, और एट्थ और लास्ट जो है तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। तो ये आपको याद करना होगा, ये जो आठ उसके जो गोल है, मे बी पीपल एंड एनवायरमेंट में इसको पूछा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे वी आर गोइंग फॉरवर्ड जो एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चन है थोड़े डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, तो आपको ये याद रखना होगा। थोड़ा आप इसके बारे में पढ़ लीजिए, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो आई होप यू हैव आंसर दिस करेक्टली। सो द करेक्ट आंसर इज ओनली स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों, दीज वेर द 30 क्वेश्चन फॉर टूडेज मॉक टेस्ट। आई होप यू हैव अटेम्प्टेड इट विद फुल फोर्स एंड यू हैव गॉट गुड मार्क्स। And friends, please share and subscribe to our channel Global Online University. If you have liked it, please share with your friends who are preparing for the UGC or the various SET examination. I hope you liked it. Okay, thank you, friend.